अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो शेयर करना। हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज देवेंद्र सिंह। टुडे आई टीच यू हेलो एल्केन्स। पेज नंबर फर्स्ट, हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स क्या होती है? पैराफिन और एल्केन्स रिएक्ट विद हैलोजन्स। जब पैराफिन या एल्केन जब रिएक्ट करती है विद हैलोजन्स गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है। वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन मे बी रिप्लेस हो जाते हैं बाई हैलोजन एटम्स के द्वारा, फुल स्टॉप। सच एज सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड इज कॉल्ड हैलोजन डेरिवेटिव। जो कंपाउंड बनता है सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड उसको हैलोजन डेरिवेटिव कहते हैं ऑफ एल्केन। दे आर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। इनको क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स के द्वारा प्रेजेंट इन टू। नंबर फर्स्ट मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, एग्जाम्पल CH3Cl, इसमें एक हैलोजन है। नंबर टू सेकंड डाई हैलोजन डेरिवेटिव, एग्जाम्पल CH2Br, सिंगल बोन CH2Br, इसमें दो हैलोजन है। नंबर थ्री चाई हैलोजन डेरिवेटिव, एग्जाम्पल CHCl3CHI3, आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म। नंबर फोर टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव, एग्जाम्पल CCl4, इसमें फोर हैलोजन है। एंड सो ऑन। क्लासिफिकेशन, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम टू विच द हैलोजन एटम इज अटैच। दे आर क्लासिफाइड एज नंबर फर्स्ट प्राइमरी, नंबर टू सेकेंडरी, नंबर थ्री टर्शियरी। नंबर फर्स्ट प्राइमरी मोनोहैलोजन डेरिवेटिव, इन दिस क्लास द हैलोजन एटम इज अटैच टू द प्राइमरी कार्बन एटम। इस क्लास में प्राइमरी मोनोहैलोजन डेरिवेटिव में जो कार्बन एटम होता है, हैलोजन एटम जो होता है एक्स क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन, वो अटैच होता है प्राइमरी कार्बन एटम से। प्राइमरी सिंगल बोन CH2 सिंगल बोन, जो सी है ये प्राइमरी कार्बन एटम है। इन अदर वर्ड्स दे पजेसेस द ग्रुप सिंगल बोन CH2X, फॉर एग्जांपल HCH2Cl, क्लोरोमीथेन है। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन भी आ सकता है। CH3CH2Br, वन ब्रोमोइथेन, ये ओनली वन अल्काइल ग्रुप अटैच होगा इसमें। ओनली प्राइमरी कार्बन एटम से ओनली एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। नंबर टू सेकेंडरी मोनोहैलोजन डेरिवेटिव, इन दिस क्लास द हैलोजन एटम इज अटैच टू ए सेकेंडरी कार्बन एटम। इसमें CH की दो वैलेंसी ओपन कर दीजिएगा सर, सिंगल बॉन्ड लगा दीजिएगा, यानी कि इस ये सेकेंडरी कार्बन एटम से इससे दो हैलोजन अटैच हो सकते हैं। और द और इन अदर वर्ड्स, ये दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दे पजेसेस द ग्रुप सिंगल बॉन्ड लगा के, यानी कार्बन जो सेकेंडरी कार्बन एटम्स है उसे दो अल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं एक्स, उससे हैलोजन अटैच होगा। फॉर एग्जाम्पल CH3CH CH3, और CH जहां लगा हुआ है उसके ऊपर CL लगा दीजिएगा। तो जो CH है ये सेकेंडरी कार्बन एटम है, क्योंकि इससे दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए, राइट साइड में भी CH3 है, लेफ्ट साइड में भी CH3 है, टू क्लोरोप्रोपेन इसका नाम है। सिमिलरली टू ब्रोमोइथेन है, CH3CH के साथ सिंगल बोन नीचे BR साइड चेन में लगा दीजिएगा, सिंगल बोन CH2 सिंगल बोन CH3, इसमें भी BR की एक साइड में इथाइल ग्रुप है, एक साइड में मिथाइल ग्रुप है। नंबर थ्री टर्शियरी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, इन दिस क्लास द हैलोजन एटम इज अटैच टू ए टर्शियरी कार्बन एटम दैट इज सी, तीन वैलेंसी में ओपन कर दीजिएगा, तीन अलग ग्रुप इस कार्बन से अटैच हो सकते हैं। दिस इज द टर्शियरी कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड ओपन कर दीजिएगा। और इन अदर वर्ड्स ऑन पेज नंबर टू दे पजेसेस द ग्रुप सी, कार्बन की तीन वैलेंसी ओपन कर दीजिएगा एक्स, फॉर एग्जाम्पल सी, ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3 और राइट साइड में भी CH3 और लेफ्ट साइड में भी CH3, यानी कि एक कार्बन से चार आपके मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। इसका नाम होगा 2-chloro-2-2-dimethylpropane, यानी कि ये जो एटम, ये जो कार्बन है आपका वो है टर्शियरी कार्बन एटम है, और टर्शियरी कार्बन एटम से तीन अल्काइल ग्रुप अटैच हुए हैं। जनरली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, नंबर फर्स्ट फॉर्म एल्कोहल, एल्कोहल से कैसे बनाए जाते हैं। नंबर ए बाय द एक्शन ऑफ द हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड जो होते हैं HCl, HBr, HI होते हैं ऑन एल्कोहल, इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक कंसेंट्रेटेड H2SO4, NHZNCl2 एक्सेट्रा, ROH ये एल्कोहल है, आर इज द एनी एल्काइल ग्रुप प्लस HX ये आपका हेलोजन एसिड है, इज इक्वल टू NHZNCl2 या कंसेंट्रेटेड H2SO4। दीज H2SO4 और ZNCl2 डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, यानी कि वाटर का रिमूवल करते हैं। आर सिंगल बॉन्ड HX प्लस H2O, इसका एग्जांपल मैंने लिखा C2H5 सिंगल बॉन्ड OH प्लस HCl, NHZNCl2 इज इक्वल टू C2H5Cl प्लस H2O आपका बन जाएगा, यानी कि इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। बी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्काइल ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड कंसेंट्रेटेड H2SO4 आर यूज, ROH प्लस KBr प्लस H2SO4, H2SO4 को हम लिख सकते हैं H.HSO4-, और ROH प्लस, तो KRBr आप निकाल लीजिएगा, एल्काइल ब्रोमाइड आपका बन जाएगा
और आपका H2O निकाल दीजिएगा और KHSO पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट निकल जाएगा। R की जगह आप C2H5 रख दीजिएगा, C2H5 इथाइल अल्कोहल प्लस KBr प्लस H2SO4 इज इक्वल टू C2H5Br प्लस KHSO4 प्लस H2O। इस टाइप से रिएक्शन आपके समझ में आ जाना चाहिए। सिमिलरली एल्काइल आयोडाइड, इसी टाइप से एल्काइल आयोडाइड्स भी बनाए जाते हैं, आर प्रिपेयर बाय द एक्शन ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड एंड कंसेंट्रेटेड H2SO4 ऑन एल्कोहल ROH प्लस KI प्लस H2SO4। H2SO4 को H.HSO4 लिख लीजिएगा, KHSO4 निकाल दीजिएगा, RI बन जाएगा आपका एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा प्लस H2O। आगे जगह एल्काइल ग्रुप जगह C2H5 इथाइल ग्रुप रख दीजिएगा, C2H5OH प्लस KI प्लस H2SO4 इज इक्वल टू C2H5I इथाइल आयोडाइड प्लस KHSO4 प्लस H2O। नंबर सी, बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड्स ऑन एल्कोहल 3ROH प्लस PCl3 इज इक्वल टू 3RCl प्लस H3PO3। यानी कि अगर आप एल्कोहल के तीन मोल्स लेते हैं और PCl3 का रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा H3PO3 निकलता है और तीन मोल्स ऑफ हैलाइड बनेगा, 3RCl बनेगा। इसका मैंने एग्जांपल लिखा 3C2H5OH प्लस PCl3 इक्वल टू 3C2H5Cl प्लस H3PO3। इसी टाइप से ROH पर PCl5 का रिएक्शन कराइएगा, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। POCl3 को फास्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड या फास्फोरस क्लोराइड बोलते हैं। तो इसमें PCl5 के रिएक्शन में POCl3 प्लस HCl हमेशा निकलते हैं। C2H5OH प्लस PCl5 इज इक्वल टू C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। पेज नंबर 3, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स एल्कोहल आर मिक्स विद रेड फास्फोरस एंड ब्रोमीन और आयोडीन एंड देन हीटेड। ROH पर P प्लस Br2 का रिएक्शन RBr बनता है, ROH पर P प्लस I2 का रिएक्शन RI बनता है। 2P प्लस 3I2 इक्वल टू 2PI3, P4 प्लस 6I2 इक्वल टू 4PI3, C2H5OH प्लस PI3। तो PI3 का अगर रिएक्शन कराएंगे तो आपने तीन मोल्स लेने पड़ेंगे अल्कोहल के, 3C2H5I इथाइल आयोडाइड के तीन मोल्स बनेंगे प्लस H3PO3। नंबर सी, बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल हैलाइड ऑन एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ पायराडीन ROH प्लस SOCl2 इज इक्वल टू पायराडीन की प्रेजेंस में RCl प्लस SO2 प्लस HCl बनेगा। SOCl2 के रिएक्शन कराने पर SO2 प्लस HCl हमेशा बनते हैं। C2H5OH प्लस SOCl2 पायराडीन की प्रेजेंस में CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। तो इथाइल क्लोराइड, इथाइल एल्कोहल से मिथाइल क्लोराइड आपका, इथाइल क्लोराइड आपका बन जाएगा, C2H5Cl आपका बन जाएगा। ये आपको दिखाया गया फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से कैसे बनाते हैं, हेलोजन एसिड एडिड टू एल्कीन फॉर्मिंग एल्काइल हैलाइड्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX इज इक्वल टू CH3CH2X इथाइल हैलाइड बनेगा। यानी कि डबल बॉन्ड में एक H और एक C में एक X ऐड कर दीजिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, CH3 आपका बन जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2Br इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। यानी कि एक कार्बन से एक H और दूसरे कार्बन से Br दे दीजिएगा अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी कोफ रूल। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन फर्स्ट प्लस HI मार्कोनी कोफ रूल के अनुसार प्लस इज इक्वल टू CH3CH साइड चेन में I सिंगल बॉन्ड CH3 2 आयोडो प्रोपेन बन जाएगा। यानी कि आयोडीन जो है, आई जो है हेलोजन एसिड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होता है जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो CH से कम हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो आई यहां से अटैच होगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr ये भी प्रोपीन फर्स्ट है परोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनी कोफ रूल। CH3 CH2 CH2 सिंगल Br यानी कि ये आपका बन जाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल ब्रोमाइड परोक्साइड में क्या होता है, एंटी मार्कोनी कोफ का उल्टा होता है। यहां पर जो लास्ट का CH2 है उससे Br जुड़ेगा और जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े हुए कार्बन से उससे H जुड़ेगा, तो CH3 CH2 CH2 Br जुड़ जाएगा। ये एंटी मार्कोनी कोफ रूल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, फ्रॉम एल्किन्स। एल्किन्स से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, RH प्लस Cl2 सल्फाइड की प्रेजेंस में RCl प्लस HCl बन जाएगा, CH4 प्लस Cl2 इज इक्वल टू CH3Cl प्लस HCl मिथाइल क्लोराइड। द आयोडिनेशन ऑफ द एल्केन्स इज डन बाय द हीटिंग विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 HIO4 और HIO3। CH4 प्लस I2 रिवर्सिबल रिएक्शन इज इक्वल टू CH3I प्लस HI। 5HI प्लस HIO3 इज इक्वल टू 3I2 प्लस 3H2O। ऑन पेज नंबर 4, नंबर 2, फ्रॉम एमिथेन। मिथेन से CH4 पर Cl2 का रिएक्शन कराइए, CH3Cl सब्स्टिट्यूशन में माइनस HCl रिमूव कर दीजिए, मिथाइल क्लोराइड बनता है और मोनोक्लोरो मिथेन बोलते हैं। प्लस फिर Cl2 रिएक्शन कराइए और माइनस HCl निकाल दीजिएगा तो CH2Cl2 बनता है, CH2 को मिथाइलिन बोलते हैं, मिथाइलिन डाइक्लोराइड और डाइक्लोरो मिथेन। प्लस Cl2 माइनस HCl फिर निकालिएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म और टाइक्लोरो मिथेन। प्लस Cl2 माइनस HCl इक्वल टू CCl4 टेट्राक्लोरो मिथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड।
इसी टाइप से इथेन वर्टिकल कंडीशन में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इज इक्वल टू प्लस Cl2 माइनस HCl CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl मोनोक्लोरो इथेन इज इक्वल टू प्लस Cl2 माइनस HCl CH2 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 Cl 1,2 डाइक्लोरो इथेन प्लस Cl2 माइनस HCl CH2 Cl सिंगल बॉन्ड CH Cl2 बन जाएगा CH Cl2 बन जाएगा फिर प्लस Cl2 माइनस HCl 1,1,2 डाइक्लोरोइथेन पर CH Cl2 सिंगल बॉन्ड CH Cl2 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन बन जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट रिडक्शन गिव्स एल्केन RX प्लस 2H इज इक्वल टू Zn प्लस HCl इज इक्वल टू RH प्लस HX 2C2H5Br प्लस 2H इज इक्वल टू Zn प्लस HCl इज इक्वल टू C2H6 प्लस HBr। नंबर 2 वुड्स रिएक्शन गिव्स एल्केन RX प्लस 2Na प्लस XR 2NX निकाल दीजिएगा R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX CH3Br प्लस 2Na प्लस Br सिंगल बॉन्ड CH3 2NaBr निकाल दीजिएगा इज इक्वल टू CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaBr इथेन बन जाएगा। यानी कि ये छोटे एल्केन से बड़े एल्केन बनाने का फार्मूला भी है वुड्स रिएक्शन। नंबर 3 रिएक्शन विद KOH गिव्स अल्कोहल एंड एल्कीन्स RBr प्लस KOH एक्वस इज इक्वल टू ROH प्लस KBr यानी कि एक्वस से हमें अल्कोहल मिलते हैं C2H5Cl प्लस KOH एक्वस C2H5OH प्लस KCl इथाइल अल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br प्लस KOH ये अल्कोहलिक है इससे डबल बॉन्ड मिलेगा तो KBr को निकाल देगा और एक HOH को निकाल के H2O निकल जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O बन जाएगा यानी कि इथीन बन जाएगी। ये अल्कोहलिक वजह से एल्कीन बनती है। ऑन पेज नंबर 5 नंबर 4 रिएक्शन विद KCN फॉर्म एल्काइल साइनाइड RX प्लस KCN इज इक्वल टू RCN प्लस KX C2H5Cl प्लस KCN इज इक्वल टू C2H5CN प्लस KCl बन जाएगा। यानी कि एल्काइल साइनाइड जो होते हैं RCN जो बना आपका एल्काइल साइनाइड गिव्स एसिड एसिड देते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस करने पर एंड एमीन्स मिलती है ऑन रिडक्शन करने पर CH3CN प्लस 2HOH इज इक्वल टू CH3COH प्लस NH3 RCN प्लस 2H2O इज इक्वल टू RCOH प्लस NH3 RCN प्लस 4H रिडक्शन कराने पर Zn प्लस HCl की प्रेजेंस में RCH2NH2 प्राइमरी एमीन मिलती है CH3CN प्लस 4H इज इक्वल टू CH3CH2NH2 इथाइल एमीन। नंबर 5 रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड फॉर्म एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता RX प्लस AgCN इज इक्वल टू RNC प्लस AgX C2H5Br प्लस AgCN इज इक्वल टू C2H5NC प्लस AgBr इथाइल आइसोसाइनाइड। नंबर 6 रिएक्शन विद सोडियम एल्कोलेट एंड सिल्वर ऑक्साइड फॉर्म ईथर विलियमसन सिंथेसिस है RX प्लस RONA NAX निकाल दीजिएगा ROR प्लस NAX C2H5Br प्लस NaO C2H5 इज इक्वल टू C2H5O C2H5 डाइथाइल ईथर प्लस NaBr 2RX प्लस Ag2O इज इक्वल टू ROR प्लस 2AgX 2CH3Cl प्लस Ag2O इज इक्वल टू CH3O CH3 प्लस 2AgS डाई मिथाइल ईथर बन जाएगा ROR ईथर का फार्मूला होता है। नंबर 2 रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट फॉर्म मिक्सचर ऑफ एल्काइल नाइट्राइट नाइट्राइट एंड नाइट्रो एल्केन 2RX प्लस 2AgNO2 इज इक्वल टू R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O प्लस 2AgX प्लस R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O और इसमें वैलेंसी एरो लगाते हुए ऑक्सीजन नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। ऑन पेज नंबर 6 रिएक्शन नंबर 8 रिएक्शन विद पोटेशियम नाइट्राइट फॉर्म्स एल्काइल नाइट्राइट RX प्लस K सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O इज इक्वल टू R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O प्लस KI C2H5Br प्लस K सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O इज इक्वल टू C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O प्लस KBr इथाइल नाइट्राइट। नंबर 9 रिएक्शन विद सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स एस्टर RCOAG प्लस XR' इज इक्वल टू RCOR' प्लस AgX एस्टर CH3COAG प्लस BrC2H5 इथाइल ब्रोमाइड AgBr निकाल देगा CH3COC2H5 इथाइल एसिटेट प्लस AgBr। नंबर 10 रिएक्शन विद अमोनिया अमोनिया से रिएक्शन कराने पर RX प्लस H सिंगल बॉन्ड NH2 इज इक्वल टू RNH2 प्लस HX ये प्राइमरी एमीन बनेगा RX प्लस H2N सिंगल बॉन्ड R ये प्राइमरी एमीन आपका R2NH प्लस HX सेकेंडरी एमीन बन जाएगा। RX पर प्लस सेकेंडरी एमीन का रिएक्शन कराइएगा H.NR2 इज इक्वल टू R3N प्लस HX टर्शियरी एमीन बन जाएगा।
और टर्सरी, ये आपका टर्सरी एमिन बन जाएगा। नंबर 11, रिएक्शन विद मैग्नीशियम फॉर्म्स गैलेनोट रिएजेंट C2H5Br प्लस Mg = C2H5MgBr इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और Rx + Mg = RmgX दिस इज द एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।